हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक डायरेक्शन के जो टाइप टू हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये हमारी डायरेक्शन से रिलेटेड तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जो बेसिक है उसको डिस्कस किया था, उसके बाद हमने टाइप वन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज इस वीडियो में डायरेक्शन से संबंधित टाइप टू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें जो डायरेक्शन का जो टॉपिक है, इसमें टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं, जिसमें 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये 4 सब डायरेक्शन होती हैं, और 2 होती हैं साइक्लिक डायरेक्शन। एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे हमारी घड़ी चलती है उसको हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, और दूसरा होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन और 2 साइक्लिक डायरेक्शन, टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं। और इसमें हमें थोड़ा सा यह भी याद रखना है कि जो आर है, आर का मतलब होता है राइट टर्न, और राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आप देखें नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हम ईस्ट पर पहुंच जाएंगे, ईस्ट को जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो साउथ पर पहुंच जाएंगे, साउथ को रोटेट करें तो वेस्ट पे, और वेस्ट को रोटेट करें तो नॉर्थ पे। तो इस प्रकार 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है नॉर्थ का ईस्ट होगा, ईस्ट का साउथ होगा, साउथ का वेस्ट होगा, और वेस्ट का नॉर्थ होगा। अगर L है, L का मतलब होता है लेफ्ट टर्न, मतलब कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हम चलेंगे उल्टी दिशा में, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, और ईस्ट से नॉर्थ। तो नॉर्थ का जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट होगा, वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ होगा, साउथ का ईस्ट होगा, और ईस्ट का नॉर्थ होगा। उसके बाद 2 आर का मतलब क्या होता है, सिंगल आर का मतलब 90 डिग्री, 2 आर है तो 180 डिग्री। अगर आप नॉर्थ से 180 जाएंगे तो साउथ पर पहुंच जाएंगे, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ है तो साउथ होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा, ईस्ट है तो वेस्ट होगा, वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगा। 2 आर का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, उसी प्रकार 2 एल का मतलब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा। 4 आर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, मतलब कि अगर नॉर्थ पे हैं, हम कहते हैं 4 राइट टर्न लिए हैं, तो 4 राइट टर्न का मतलब है कि आप वापस नॉर्थ पर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार 4 एल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। जैसे कि बात की थी कि डायरेक्शन से संबंधित 7 टाइप के टोटल प्रश्न बनते हैं, पहला टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमें जो डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग प्लेस इज गिवन, कि जो प्रारंभिक स्थान था उसकी जो दिशा है वो दी गई थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में टाइप 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग प्लेस इज नॉट गिवन, मतलब कि प्रारंभिक स्थान की जो दिशा है वह नहीं दी गई है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है, सीधा ट्रिक से शुरू करेंगे कि आपको इसमें पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन को आप सेकंड्स में हल कर देंगे। पहले क्वेश्चंस की मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है नवनीत 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, और अंत में पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अगर इस समय वह दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। मतलब कि नवनीत वॉक्स 10 किलोमीटर टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 किलोमीटर, एंड फाइनली टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 30 किलोमीटर। इफ एट दिस टाइम ही इज गोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन डिड ही वॉक स्टार्टेड अप। तो इसमें जैसा कि सीधा ही हम ट्रिक से करेंगे, ज़्यादा इसमें हम बेसिक्स तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सीधा ट्रिक का मतलब क्या है, जो जो टर्न दिए हैं और जो जो डायरेक्शन दिए हैं उसको हम लिख लेंगे। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, लेफ्ट दिया है आप L लिखेंगे, आगे चले तो राइट लिखा है तो आप R लिख लेंगे, उसके बाद आप थोड़ा आगे चलते हैं फिर एक राइट टर्न है, फिर आपने R लिखा, और फाइनल में लिखा है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये फाइनल डायरेक्शन दी है। आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन बतानी है। अब इसमें क्या करना है, एक L के साथ एक R कैंसिल हो गया है, आपके पास एक R बचा है,
तो जो पहला क्वेश्चन था, जो पहले टाइप में क्या करते थे, सीधा ही उसको देख लेते थे कि राइट टर्न पे क्या होगा। लेकिन जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर अगर आर बचता है उसको हम एल लिखेंगे, अगर यहाँ पर एल बचेगा तो उसको आर लिखेंगे, मतलब कि उसको रिवर्स कर देना है, चेंज करना है। तो आर बचा है तो इसको आपने एल बना दिया है, और एल का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप साउथ ईस्ट पर हैं, ये साउथ ईस्ट है, और यहाँ से आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप पहुँच जाएंगे नॉर्थ ईस्ट पर, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट से चलना शुरू किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में अगर आप देखें, सीधा ही हम चेक करते हैं, इसमें अगर स्टेटमेंट को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप चले, आपने देखा कि राइट टर्न आपको मिल गया है, आपने आर लिख लिया है, फिर चले आपने देखा राइट टर्न एक और है, फिर आपने एक आर फिर लिख लिया, फिर आगे चले फिर देखा कि उसने एक लेफ़्ट टर्न लिया है, तो लेफ़्ट टर्न आपने लिख लिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, आपने लिखा नॉर्थ वेस्ट, ये फाइनल डायरेक्शन है। आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन बतानी है कि वो जब शुरू में चला तो किस दिशा से चला था। तो एक आर के साथ एक एल कैंसिल हो गया, एक आर बचा है, इसको आप लिखेंगे चेंज करके एल, एल का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर एल बचा होता तो आप उसको आर में बदलते। अब नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर आप देखें, आप यहाँ पर हैं नॉर्थ वेस्ट, जब नॉर्थ वेस्ट पर हैं तो इसका जो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगा, ये 90 डिग्री है, तो आप कहाँ पर होंगे, साउथ वेस्ट पर, उसने साउथ वेस्ट से चलना शुरू किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, सीधा ही देखेंगे, सीधा एक लेफ्ट टर्न हमें मिल गया है वो आपने लिख लिया है, फिर आपको राइट टर्न मिला वो आपने लिखा है, फिर आप चले राइट टर्न है, फिर राइट टर्न लिख लिया है, उसके बाद फाइनल देखा कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके पास है, नॉर्थ वेस्ट इस तरह से, और आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि लिखा है इन विच डायरेक्शन डिड ही वॉक स्टार्टेड अप, कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, वो दिशा हमें बतानी है। तो एक आर के साथ एक एल कैंसिल हो गया, जो आर बचा है इसको आपने एल में चेंज कर लिया, एल का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब नॉर्थ वेस्ट पर आप हैं, यहाँ पर हैं नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, साउथ वेस्ट पर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा साउथ वेस्ट से उसने चलना प्रारंभ किया था। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं ताकि कंसेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। ये प्रश्न अगर आप देखें तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को सीधा ही चेक करते हैं, हमें सीधा लिखा कि दो राइट टर्न लिए हैं, दो राइट टर्न का मतलब है दो आर, फिर आगे चले एक लेफ्ट टर्न लिया है ओनली वन, तो एक एल आपने लिखा। अब वो अगर बात करें तो किस दिशा में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में, साउथ में जा रहा है, हमें इनिशियल डायरेक्शन अब बतानी है। एक एल के साथ एक आर कैंसिल हो जाएगा तो एक आर बचेगा, और इस आर को आप चेंज करेंगे एल में, एल का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप साउथ पर हैं और साउथ का जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, ईस्ट पे पहुँचेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, ईस्ट, कि उसने ईस्ट दिशा से चलना शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो सीधा लिखा है कि फाइव राइट टर्न, कि पाँच बार उसने राइट टर्न लिया है, फाइव आर, और सिक्स लेफ्ट, छः लेफ्ट टर्न लिए हैं एल, सिक्स एल, अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, आपने नॉर्थ लिख लिया है, नॉर्थ उसकी फाइनल डायरेक्शन है। स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें बतानी है कि क्या होगी, पाँच आर से पाँच एल कैंसिल हो गए तो एक एल बच गया, क्योंकि पाँच आर थे और छः एल थे, तो पाँच आर के साथ पाँच एल कैंसिल हुए तो एक एल बच गया, इस एल को आपने चेंज कर दिया आर में, आर का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, अब नॉर्थ दिशा में यहाँ पर हैं, इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 90 डिग्री पर तो होगा ईस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, ईस्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को अगर आप देखें तो सीधा सा आपने जो देखना है पूरी स्टेटमेंट में उसी पे ध्यान लगाएं आप। सबसे पहले आपको राइट मिल गया है, आपने लिखा आर,
फिर थोड़ा सा चले, आपको दिखा कि लेफ़्ट टर्न उसने लिया है, लेफ़्ट लिख लिया आपने। फिर आगे चले, देखा कि एक राइट टर्न और लिया है, आपने राइट टर्न लिख लिया है। फिर थोड़ा सा आगे चले, आपने देखा कि लास्ट में वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, आपने वेस्ट को लिखा है। तो अगर देखें फाइनल डायरेक्शन उसकी वेस्ट है, आपको शुरू की डायरेक्शन बतानी है क्या थी। तो सिंपली एक आर के साथ एक एल कैंसिल हो गया, एक आर आपके पास बचा है, इस आर को आप चेंज कर देंगे एल में, और एल का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट में है, ये वेस्ट है, वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री साउथ होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, साउथ। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक डायरेक्शन के, टाइप टू से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। Thank you.